हाइडिंग ने एक सिक्योरिटी फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं सो आइए देखते हैं एक स्लाइड के अंदर ये उनका डिजाइन है मैंने थोड़ी सी चेंजेस करे हैं उसके अंदर व्हाट आर दी एलिमेंट्स दैट एंड वे डू दे स्टैंड फॉर चाइना एक एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे फॉर जस्ट थर्टी सेकेंड्स एंड देन वी विल क्लोज द शो एंड टेक योर क्वेश्चन ये है जी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ चाइना अच्छा जी लेट्स स्टार्ट क्लॉकवाइज शी जिंगपिंग जो मैंने एक विनी दपू की फोटो डाली है वहां पर विद द शी जिंगपिंग माउस माउथ फेस मिलिट्री सिक्योरिटी है टेरिटोरियल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी तीन एक इनर सर्कल हैं इनके ठीक है टेरिटोरियल सिक्योरिटी में अगर आप देखिए भारत से उसको एक जबरदस्त सेकेंड फ्रंट आया है मल्टी फ्रंट थ्रेट है उसको फिलीपींस में यूएसए ने हुक लगा के बैठा हुआ है डेली ऑलमोस्ट झगड़े होते हैं वहां पर एंड बाय द वे लेट मी से दिस ओपनली फिलीपींस इज टेकिंग विद चाइना टुडे हाँ वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स में जा रहे हैं हाँ दे आर एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स बट यस आल्सो दैट फिलीपींस थोड़ी सी उंगली ज्यादा कर रहा है चाइना को एंड थिंग्स आर बिकमिंग हीटेड अप इन दैट एरिया चाइना को ये पता है फिलीपींस इज अंडर अ डिफेंस डील विद यूएसए अगर वो छुएगा ही विल बी डायरेक्टली एट वॉर विद यूएसए कर नहीं सकता भारत के साथ ही इज नॉट बीन एबल टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स ठीक है मल्टी फ्रंट एंड उनके अपने बंदे मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल शोज़ करें भारत इज द मोस्ट क्रेडिबल सेकंड फ्रंट टू चाइना शी जिंगपिंग के बारे में बात कर लेते हैं भाई व्हाट केना ऐसे वन मैन शो राइट ज वेर आई ब्रिंग टू द पोलिटिकल सिक्योरिटी क्या पोलिटिकल सिक्योरिटी है कि एक वन मैन शो है और जिसको कोई भी गलत चीज बताने की कोशिश तक नहीं करेगा बिकॉज जो चीज उसको जाके गलत चीज बताएगा उसकी गर्दन उड़ाएगा ये दैट्स हाउ डिक्टेटर्स आर यू टेल मी वॉट आई वॉन्ट टू हेयर नॉट वॉट आई नीड टू हि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दर्ड पार्ट थर्ड चाइनीज मिलिट्री न्यूज पेपर जिसने एक आर्टिकल डाला है जो बायो बाई अभी लाइव है वहां पर जिसके ऊपर मैंने जनरल रायन ने शो करा था जिन्होंने बोला कि साहब वी कैन फाइट आर ट्रेनिंग इज नॉट गुड इन एल डेली ने एक और आर्टिकल डाला था मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर जहां पर उन्होंने उनके एक वाइस एडमिरल ने बोला था कि साहब वी आर इक्विपमेंट वेटिंग टैलेंट बंदे ही नहीं है हमारे पास ट्रेन करूं क्या डू आई डू आई हैव हैव नो एक्सपीरियंस एंड आई अ बॉस हु कीप्स फायरिंग मी ऑल द टाइम ओके अब जरा आते हैं जो रेड वाला सिक्योरिटी रिंग है इनका साइबर सिक्योरिटी ठीक है लेट मी जस्ट सॉरी रिमूव दिस इबर सिक्योरिटी ओफेंसिव पार गिवन चाइना है इसका मुंबई में इसने कुछ उंगली करी थी राइट साइबर अटैक्स होते हैं ये होता है वो होता है बट एक बड़ी चीज हमको और भी समझनी है कि चाइना का जो एक बड़ा फायरवॉल था ना वो टूट गया है मैं आपसे पूछता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कितनी बार आप, आपने चाइनीज इसी चैट रूम में देखे हैं इतने लाइव चैट होते हैं कितने बारी आपने देखा है चाइनीज को यहां पर So obviously Chinese are using the VPN. That means firewall सिव तो 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 पार देख लीजिए वो ऐसी शो में बैठता है जहां पर हम हिंदी में बात करते हैं बैठा रहता है वहां पर राइट सो इट इज वेरी वेरी सिंपल आई एम नॉट ट्राइंग टू बीट माई ड्रम्स की चाइना मेरे को देख रहा है बट आज दोपहर में आपने देख लिया था पहले एक आता था अब तीन तीन आते हैं एक साथ एक तो खैर वो कनाडा में अलेजिडली कनाडा में है अलेजिडली किसको क्या पता ठीक सो so चलिए एक पॉइंट इसको यहां दे देते हैं आगे चलते हैं जी कल्चरल सिक्योरिटी बोलता है कौन सी कल्चर कौन सा सिक्योरिटी जितने आपके टेम्पल्स थे जितने आपके ये थे अभी भी तोड़ हो आप कुछ तो छोड़ा नहीं आपने

कोई आके बोलता है जिंगपिंग मत बोलियो बंद कर देंगे तेरे को जेल में उठा के दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट दैट दे डूइंग देयर सो व्हाट इज ऑल अबाउट आई डोंट नो टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी यार ये ना लो टेक चीजें बनाते थे अब थोड़ा हाई टेक की चीजें बना रहे हैं आई विल जस्ट से मिस्टर शी जिंग मेरे को जरा फोन कर लेना जब आप एक चिप बना लो एक फोन बनाया आपने कूद रहे हो कूद रहे हो कूद रहे हो यार एप्पल दो बनाता है साल में और सैमसंग चार बनाता है रेडमी मी भी बना लेते हैं वो तो आपने इतना क्या खेत की मूली निकाल ली एंड दैट चिप इज ऑल्सो ही इज एन अ प्रॉब्लम देर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी अच्छा जी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाइना में भी ऐसा भी होता है इट्स अ जोक पेड़ जहां काटने काटो ये काटने वो काटो व्हाट इज हैपनिंग टू द कंट्री वी ऑल नो फ्लड जहां फ्लड होने जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पर ड्रॉट हो गया जहां पर पानी होता ही नहीं है जहां पर ड्रॉट होता है वहां पर फ्लड्स हो रहे हैं इसने कनाल बनाया था कि नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा पानी फ्लड ऊपर हो जाते हैं वहां से नीचे लेके आ रहा अभी इज हैपनिंग आई डोंट नो सिक्योरिटी ऑफ ओवरसीज इंटरेस्ट कहता है नेक्स्ट भाई सिक्योरिटी ऑफ ओवरसीज इंटरेस्ट के लिए आपने बियारा बनाया था मैं बियारा बनाया था मैं क्या बोलू उसका आगे बता दो शीजिंग को कौन अपनी कंट्री में बुलाएगा वो भी आप सोच लीजिए ठीक है जी रिसोर्स सिक्योरिटी व्हाट रिसोर्स सिक्योरिटी यार खाना तो आप हमसे लेते हो आके, चावल तो हमारे से लेते हो आप क्या सिक्योरिटी बोल रहे हो आप तेल है नहीं, कोल है नहीं, गैस है नहीं, सब कुछ नहीं है तुम्हारे पास अपना व्हाट रिसोर्स सिक्योरिटी न्यूक्लियर सिक्योरिटी अभी दो महीने पहले रेडिएशन लीक करके बैठे हो तुम न्यूक्लियर सबमरीन में के बैठे हो वहां पर जिसमें डीप सी सिक्योरिटी की बात करते हो तुम अपने ही ट्रैप में अपनी सबमरीन फसा के बैठ गए इतने बेवकूफ दे वर सिटिंग एट सम 60 80 मीटर्स अगर ये हैच खोल के निकल जाते दे वुड हैव स्वम अप 60 80 मीटर्स में कान में से खून निकलते कुछ होता ठीक है फाइन बट ऑल दोस 55 मेन वुड हैव बीन अलाइव दैट मींस देयर एयर सर्कुलेशन सिस्टम डज नॉट वर्क इन द सबमरीन देयर एयर कंट्रोल सिस्टम डज नॉट वर्क एयर वार्निंग सिस्टम डज नॉट वर्क एंड कैसी लीडरशिप है यार सारे वहां मर गए किसी को पता ही नहीं है बायो सिक्योरिटी वॉट बायो सिक्योरिटी यार आप एक छोटे से वायरस में आपकी हालत खराब रखी है एज लॉन्ग एज इट इज दैट छोटे सा वायरस लाइने लगा के खड़े हुए हॉस्पिटल है वहां पर कोल्ड कॉफ फीवर सात दिन हो गए साहब ठीक है काम चल रहे है, चल रहे नो प्रॉब्लम no एक पॉइंट दिया था साइबर सिक्योरिटी के लिए दूसरा पॉइंट मैं दे दूंगा इनको स्पेस सिक्योरिटी के लिए रॉकेट अच्छी है स्पेस स्टेशन बना के बैठे डैम गुड मानदी बट इट इज सो फिक वॉनरेबल करोगे क्या उसका आप किसी को ठोकोगे तो वो तुमको ठोकेगा क्या करोगे यू विल गो फाइट अप देयर एंड फाइनली पोलर सिक्योर अब मेरे को ये समझ नहीं आता पोलर सिक्योरिटी से चाइना का क्या लेना देना है सो आई कॉल इट अ ब्लडी पाइप ड्रीम वेरी सिंपल एंड लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा साहब ही इज एट इज वीकेस्ट राइट नाउ द वीकेस्ट दैट यू विल एवर सी दिस मैन एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज गोना बी फन मुन्ना भाई हम भी देख रहे हैं हम भी बैठे हैं पॉपकॉर्न हमारे भी खुले हुए हैं सो लेट्स ऑल हैव फन लुकिंग एट शीजिंग पिंग थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस थोड़ी लाइक्स दबा दीजिए ताकि आपके सवाल में लेने